हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस तरीके का बेहद ही खूबसूरत और प्यारा सा डोरमेट डिजाइन इसको आप आसन की तरह थाल पोस की तरह और टेबल चेयर किसी पे भी यूज कर सकते हो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और बनाने में उतना ही इजी है देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मैंने इसको बनाया है देखिए ये कंप्लीट हो गया है सिर्फ यहाँ पे हमने एक सिलाई फ्रंट साइड से बनानी है और दूसरी सिलाई में फंदे बंद करके देखिए इस तरीके से सिलाई कर लेना है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी सबसे पहले देखिए इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तीन के मल्टीपल के हिसाब से फंदे डाले हैं और लास्ट में देखिए ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है इसका बॉर्डर इस पर मैंने सात फंदे डाले हैं तो देखिए जब भी आप अगर इस तरीके का डोरमेट बना रहे हो या इससे बड़ा बना रहे हो अगर यही बना रहे हो तो आपने क्या करना है देखिए पंद्रह फंदे तो आपने रेड कलर से बना लेने हैं और सात फंदे यहाँ पर ग्रीन कलर से बनाने हैं अगर इससे बड़ा बनाना चाहते हो तो आपने क्या करना है तीन के मल्टीपल के हिसाब से फंदे बढ़ा लेने हैं जैसे यहाँ पे मैंने पंद्रह फंदे अभी रखे हैं तो आप इस पर इक्कीस फंदे रख सकते हो फिर उस पर तीन फंदे और ऐड करके और भी ज़्यादा बड़ा बना सकते हो तो आपने क्या करना है तीन के मल्टीपल के हिसाब से फंदे बढ़ा लेने हैं और लास्ट में ये जो बॉर्डर है उस पर आपने सात फंदे डाल लेने हैं तो मैंने यहाँ पे टोटल अभी बाईस फंदे डाले हैं तो मैं सबसे पहले आपको काउंट करके दिखा देती हूँ देखिए

पंद्रह फंदे ये हो गए सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और ये बाईस टोटल यहाँ पे हमारे बाईस फंदे हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है इस डोरमेट को बनाने के लिए देखिए इसको रख देंगे हम सबसे पहले साइड में यहाँ पे मैंने रेड की जगह देखिए ये वाला कलर लेके रखा है और ग्रीन की जगह ये वाला ग्रीन कलर लिया है मैंने सिर्फ आप लोगों को बताना है तो आप अपने हिसाब से कलर ले सकते हो तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पे देखिए मैं आठ नंबर की सिलाई का यूज़ कर रही हूँ आप अपने हिसाब से आ, नौ नंबर की सिलाई या छः नंबर की सिलाई से भी इसको बना सकते हो और देखिए धागा मेरा पतला था तो मैंने इस तरीके से डबल कर लिया है डबल धागा करने से डोरमेट बहुत ही खूबसूरत बनता है और बिल्कुल परफेक्ट बन के आता है देखिए दोनों ही धागे मैंने डबल कर लिए हैं अब हमने क्या करना है सबसे पहले हमने इस वाले धागे से पंद्रह फंदे डाल लेने हैं आप जैसे भी फंदे डालते हो उस तरीके से आप डाल लीजिए फंदे थोड़ा सा लूज़ रखना है ज़्यादा टाइट नहीं करने हैं फंदों को तो देखिए सबसे पहले हम नोट लगा लेंगे इस तरीके से उसके बाद हमने यहां पंद्रह फंदे डाल लेने हैं तो देखिए मैं इस तरीके से डालती हूं तो इसी तरीके से डालूंगी दो तीन चार पाँच छ मैं पंद्रह फंदे इसी तरीके से डाल लेती हूं देखिए पंद्रह फंदे मैंने इस वाले धागे से डाल लिए हैं अब हमने क्या करना है यहाँ पे सात फंदे देखिए ये ग्रीन धागे से डाल लेने हैं सबसे पहले हमने नोट लगा लेना है इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पे हमने देखिए इसको डाल लेना है तो ये हमारा एक फंदा हो गया उसके बाद हमने छः फंदे और डाल लेने हैं देखिए दो तीन चार पाँच छ देखिए दो दो चार छः और एक फंदा और डालेंगे ये सात तो यहाँ पे अब हमने पंद्रह फंदे मैंने देखे इस धागे से डाल लिए हैं जो मैंने ये रेड वाला बनाया है देखिए इस इसमें मैंने रेड से बनाया है तो मैंने इसमें ये वाला कलर डाल लिया है पंद्रह फंदे इससे डाले हैं और ग्रीन की जगह मैंने ये वाला ग्रीन लगाया है तो सात फंदे ये वाले डाल लिए हैं तो देखिए हमारी जो फर्स्ट रो आएगी ना वो हमारी बैक साइड से आएगी तो अब हमने क्या करना है जो हमारी बैक साइड वाली रो है देखिए सबसे पहले हमने पहला फंदा हमने उतार लेना है उसके बाद देखिए ये सात फंदे बना लेने हैं इसको भी हमने साथ में ही काउंट करना है तो देखिए यहाँ पे हम पहला फंदा उतार लेंगे तो देखिए दो तीन चार पाँच छ और ये सात सात फंदे हमने बना लिए अब हमने क्या करना है यहाँ पे ये वाले फंदे भी बना लेने हैं तो देखिए सबसे पहले एक दो ये पंद्रह फंदे हैं तो देखिए हम उसमें से तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह बारह फंदे बना लेंगे तीन फंदे हमने छोड़ देने हैं अब यहीं से ही आ जाएंगे हम फ्रंट साइड पे देखिए फ्रंट साइड पे हमने कुछ भी नहीं करना है जो फंदे हमारे जैसे हैं वैसे ही बना लेने हैं तो सबसे पहले हम ये बारह फंदे बना लेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह बारह फंदे बना लिए अब हमने क्या करना है धागे को पीछे कर लेना है और ये जो ग्रीन वाला धागा है इसको हमने थोड़ा सा टाइट कर लेना है देखिए लूज हो रहा है तो इसको हमने देखिए क्रॉस पे रखना है ये वाला धागा हमने ऊपर रखना है और इसको नीचे से देखिए आगे को लेके आना है तो अब हमने ये सात फंदे भी बना लेने देखिए एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात सात फंदे बना लिए आ जाएंगे हम बैक साइड पे देखिए हमने यहाँ पे बैक साइड पे क्या करना है सबसे पहले जो पहला फंदा है ना देखिए इस तरीके से सीधा निकालते हुए हमने बनाना नहीं है इसको देखिए धागे को हमने अपनी तरफ को लेके आना है तो हमने उतार लिया एक फंदा उसके बाद ये छह फंदे हमने उल्टे बनाने हैं ये जो हमने उतारा था उसको मिला के हमारे सात फंदे हो गए तो देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छः ये सात अगेन हमने यहाँ पे देखिए धागे को क्रॉस पे रख लेना है ये वाला धागा हमने ऊपर रखना है इस तरीके से और ये धागे को नीचे से हमने ऊपर को लेके आना है तो यहाँ पे देखिए फिर से हमने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ नौ फंदे बनाने हैं फिर से हमने तीन फंदे और छोड़ देने हैं पहली सिलाई पे हमने तीन फंदे छोड़े थे फिर से हमने तीन फंदे छोड़ दिए आ जाएंगे हम फ्रंट साइड पे, अगेन हमने फ्रंट साइड पे जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बना लेने हैं देखिए नौ के नौ फंदे इस वाले धागे से हमने बना लेने हैं और सात फंदे हम ग्रीन धागे से बना लेंगे तो देखिए धागे को हमने पीछे कर लेना है इस तरीके से क्रॉस पे रखना है देखिए ये धागा ऊपर है और इसको नीचे से आगे को लेके आना है तो ये सात फंदे हमने इस वाले धागे से बना लेने हैं उल्टे उल्टे तो उसके बाद हम आ जाएंगे फिर से बैक साइड पे देखिए हमने कुछ भी नहीं करना है फ्रंट साइड पे बैक साइड पे सिर्फ हमने यहाँ से बनाते हुए तीन तीन फंदे छोड़ देने हैं हर सिलाई में तो फिर से हमने देखिए पहला फंदा इस तरीके से उतार लेना है धागे को अपनी तरफ लेके आएंगे उसके बाद यहाँ पे सात फंदे ये उल्टे बना लेंगे जो हम हर बारी बना रहे हैं देखिए सात फंदों को इनको कुछ भी नहीं करना है इनको हमने ऐसे ही बनाना है फिर से धागे को क्रॉस पर रखना है देखिए ये वाला धागा हमने ऊपर रख लेना है इसको नीचे से आगे को लेके आना है देखिए इस तरीके से फिर से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात सॉरी यहाँ पे हमने छः ही फंदे बनाने हैं फिर से हमने तीन फंदे छोड़ने हैं देखिए दो चार छः छः फंदे बनाए तीन फंदे फिर से छोड़ दिए आ जाएंगे हम फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे अगेन हमने यहाँ पे जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बना लेने हैं देखिए छः फंदे पहले इस वाले धागे से बना लेंगे धागे को पीछे कर लेंगे फिर से देखिए इस वाले धागे को आगे को लेके आएंगे देखिए क्रॉस पे ही रखना है हमने उसके बाद ये सात फंदे हमने बना लेने हैं अगेन हमने बैक साइड पे फिर से देखिए पहला फंदा हमने उतार लेना है इस तरीके से धागे को अपनी तरफ उसके बाद ये सात फंदे हमने इस वाले धागे से बनाने हैं देखिए इनको कुछ भी नहीं करना है ये वाले फंदे ऐसे ही बनते जाएंगे उसके बाद फिर से हमने देखिए धागे को क्रॉस पे रख लेना है इतना ध्यान रखना इस तरीके से ज़रूर बनाना है देखिए इस तरीके से ना बहुत अच्छी सेप आती है ये तो उसके बाद हमने फिर से देखिए एक दो और ये तीन इस बार हमने तीन ही फंदे बनाने हैं और यहाँ पे फिर से हमने तीन फंदे छोड़ देने हैं आ जाएंगे हम फ्रंट साइड पे अगेन हमने फ्रंट साइड पे देखिए ये तीन फंदे पहले बना लेने हैं एक, दो और ये तीन धागे को पीछे करेंगे क्रॉस पे रख लेंगे देखिए इस तरीके से धागे को अपनी तरफ सात फंदे इस वाले धागे से बना लेंगे देखिए ग्रीन धागे से इनको हमने हर बारी देखिए इसी धागे से बनाना है और कोई फंदा नहीं छोड़ना है और उसके बाद फिर से पहले फंदे को हमने उतार लेना है देखिए इस तरीके से जैसे मैं उतार रही हूँ धागे को अपनी तरफ लेके आएंगे उसके बाद देखिए सात फंदे ये वाले बना लेने हैं अब हमने क्या करना है देखिए अब की बार हमने फिर से ये तीन फंदे छोड़ने हैं तो देखिए ये हमने सारे फंदे तीन तीन करके देखिए पहली सिलाई पे तीन फंदे छोड़े फिर तीन फंदे छोड़े फिर तीन फंदे फिर तीन फंदे फिर तीन फंदे इसी तरीके से हमने ये पंद्रह फंदे छोड़ दिए हैं अब आ जाएंगे देखिए यहीं से ही हम फ्रंट साइड पर फिर से देखिए क्या करना है ये वाला धागा हमने देखिए ऊपर से इस तरीके से रख लेना है ग्रीन धागे को देखिए आगे को लेके आना है तो फिर से हमने यहाँ पर ये ग्रीन फंदे बना लेने हैं देखिए फिर से हम आ जाएंगे बैक साइड पे। बैक साइड पे अब हमने क्या करना है देखिए पहला फंदा फिर से उतार लेना है इसको हर बारी उतारना है उसके बाद ये सात फंदे ग्रीनी धागे से बना लेंगे फिर से हमने देखिए यहाँ पे धागे को चेंज करना है अब की बार हमने क्या करना है देखिए ये जो हमने तीन तीन करके फंदे छोड़े थे ना सबको यहाँ तक बना लेना है तो देखिए एक मैं काउंट भी करके जाऊंगी दो तीन चार पाँच छः, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये पंद्रह देखिए इस वाली सिलाई पे सारे फंदे बना लिए आ जाएंगे हम फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे अगेन हमने क्या करना है यहाँ पे जो पहला फंदा होगा ना इस साइड से उसको भी हमने उतार लेना है इससे क्या होगा ना जो बीच का होल है बिल्कुल हमारा परफेक्ट बन गया है अगर आप इसको बना लोगे ना तो होल हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद देखिए ये पंद्रह फंदे हमने इसी वाले धागे से बना लेने हैं और ये जो ग्रीन फंदे हैं हम ग्रीन धागे से बनाएंगे तो मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी देखिए पूरी सिलाई बना ली है और यहाँ पे हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है अब हमने क्या करना है जैसे हमने फर्स्ट सिलाई बनाई थी ना उसी को ही रिपीट करना है जैसे हमने इसको बनाया था तो मैं स्टार्ट करके आपको दिखा देती हूँ कैसे स्टार्ट करना है देखिए पहला फंदा हमने इस तरीके से उतार लेना है उसके बाद ये सात फंदे हमने बना लेने हैं इसको मिला के सात फंदे हो गए हमारे दो तीन चार पाँच छ और ये सात सात फंदे हो गए उसके बाद देखिए धागे को हमने क्रॉस पे रख लेना है और यहाँ पे फिर से हमने बारह फंदे बनाने हैं देखिए पंद्रह फंदे थे तीन फंदे छोड़ेंगे तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह फिर से हमने तीन फंदे छोड़ने हैं और फ्रंट साइड आपको पता ही है जो फंदा जैसा है वैसे ही बना लेना है अब इसी तरीके से हमने इसको रिपीट करते हुए जाना है और देखिए एंड में आके यहाँ पे अब हमने क्या करना है जो ये आ, सारे फंदे हैं ना इनको हम बंद कर लेंगे उसके बाद हम इसको सिलाई कर लेंगे देखिए यहाँ पर हमारा ये डोरमेट कम्प्लीट हो जाता है तो देखिए इस तरीके से अब मैं क्या करूँगी एक सिलाई बनाऊँगी सारे फंदे बंद कर लूँगी यहाँ पे उसके बाद मैं सिलाई कर दूँगी तो ये मेरा डोरमेट बन जाएगा तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय